गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्यूटीफुल लाइफ। मैं रानी आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। अभी बजे सुबह के 7, अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आई होप आप सभी अच्छे हो, मैं तो अच्छी हूँ ही। सुबह से बहुत काम कर लिया, अभी ब्रेकफास्ट बनाने की बारी है। देखो क्या क्या रेडी है। ये आलू भाजी बनेगा और क्या बनेगा, पराठा। आटा लगा लिया है, पहले भाजी के लिए आलू रेडी और एक तवा, एक तरफ कढ़ाई चढ़ा दिया है। फटाफट बना लेती हूँ, फिर प्रीतम को स्कूल भेजती हूँ, तब जाके मुझे शांति मिलेगी। ऐसे घर की इधर की सफाई हो चुकी है, लेकिन बाप बेटे सो रहे हैं तो बेडरूम की सफाई बाकी है, वो बाद में करूँगी, पहले ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। हाँ, और क्या, आज ड्यूटी नहीं जाऊँगी, आज ऑफिस जाना है, ज़रूरी कुछ काम है तो ड्यूटी जाना मुश्किल है, दोनों तरफ जाना मुश्किल है, तो ज़रूरी काम पहले निपटा लूँ, ड्यूटी तो रोज ही जाती हूँ स्कूल। और क्या, दोनों बाप बेटे सो रहे हैं, उन्हें जगाना पड़ेगा, फिर प्रीतम को कुछ खिलाना पड़ेगा। चलिए काम पे लगती हूँ। अभी पराठे को सेकने की बारी है, मैं इसे अच्छे से पहले सेक लेती हूँ, उसके बाद घी डालूँगी, एकदम देसी घी में बनाऊँगी, तभी तो बढ़िया लगता है ना। और क्या, लेकिन अच्छे से सेकना पड़ता है, जिसमें भी आप बनाओ पराठा अच्छे से लाल करके सेक लो तो बहुत अच्छा लगता है और हजम भी हो जाता है ठीक ठाक, है ना। ये टिफ़िन बॉक्स किसका है, प्रीतम का, उसके लिए रेडी कर रही हूँ, बस मेरा बच्चा खा ले ठीक से, वही मेरे लिए अच्छा। दूध प्रीतम के लिए, चलिए कितना नौटंकी कर, देखो आप भी देखो, रोज रोज तो मैं ही देखती हूँ। लो क्या लो, मैं नीचे रख देती हूँ, क्या नो नौटंकी चालू, नहीं पियोगे हाँ, नहीं पियोगे, ए कोड़ा बाजी देगे केस, नौटंकी रेडी कर दिया प्रीतम को स्कूल के लिए, सब एकदम, घर अभी बाकी है, रुको रुको, तो बच्चा स्कूल चला जाए उससे बड़ा शांति कुछ नहीं है, उसके पापा बस में चढ़ा देंगे। चलो देखती हूँ निकले कि नहीं दोनों, आगे आगे जा रहा है, उसके पापा मोटरसाइकिल निकालने गए, वो आगे आगे जा रहा है। ओए बच्चा स्कूल चला जाए, वहाँ पे वो बहुत बड़ी बात है। अब मैं आराम से घर का काम करूँगी, ऑफिस का काम करूँगी, ऑफिस जाना है, जाना तो है, पता नहीं क्या करें मेरे हस्बैंड, देखती हूँ क्या होता है। पहले घर अच्छे से साफ कर लेती हूँ, किचन तो साफ कर लिया है, अभी इस रूम को, बेडरूम को, उस रूम को अच्छे से साफ कर लूँ, झाड़ू पोछा सब लगा दूँ, और क्या, फिर ब्रेकफास्ट करूँगी। ब्रेकफास्ट में आज पराठे तो है, उसके साथ दही खाऊँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है दही और पराठा, ऐसे रसगुल्ले के साथ भी पराठा अच्छा लगता है, लेकिन दही के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ठीक है चलो अभी काम पे लगती हूँ, सुबह सुबह। और क्या, लंच बन रहा है, मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, रोज़ की तरह आप ही जानते हो, एक बनाएंगे सिर्फ वो, बाकी दो मैं, ये जो कड़ी बनेगी मछली और सब्जी और ड्रम स्टिक या क्या लाए है डांटा, उसके साथ वो बनाएंगे, और मैं बाकी दो जो बनेगा लौकी की सब्जी और भिंडी भाजी वो बना लूँगी, तो दोनों मिलके लंच तैयार कर लेंगे, आसानी भी होगी, और क्या, है ना। तो करी बना लिया मेरे हस्बैंड ने, बहुत सारे मिर्च डाल के और ये स्टिक डाल के बनाई है आलू के साथ,
अभी इसमें मछली डलेगा जो रेडी है, और मिर्च डालने को बोला है तो दे दिया। और मिर्च पता नहीं मिर्च खाते या करी खाते हैं ये पता नहीं चलता। और क्या बोलो, ये देखिए अभी मैं ये डाल रही हूँ, डालू के ना डालू पूछ लेती हूँ। मास्क दिए तो बा, हाँ बोला हाँ, चलो डाल दिया, चलो जाओ कड़ी के अंदर जाओ और अच्छे से पक जाओ, है ना। बस थोड़ा ढक दूंगी और तैयार हो जाएगा। और लौकी की सब्जी मैं बनाऊंगी, मैं ये पॉपी सीड पीस के इसमें डाल दूंगी। और फिर भिंडी भाजी ये भी रेडी है, काट के रेडी कर लिया मैंने सब। अब हम निकलेंगे ऑफिस के लिए, जितना जल्दी बन जाए लंच उतना ही जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि 12 तो बज ही जाएंगे ऑफिस पहुँचते पहुँचते, फिर आके लंच करेंगे और आराम से सो जाएंगे। ठीक है, देखती हूँ क्या होता है। निकल गई हूँ घर से, हस्बैंड के साथ जाऊँगी, वो है सामने ही, और बोला ऑफिस में जाने को कुछ मतलब खास भी है नहीं भी, दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र के लिए अर्जी डालनी है, तो वही अर्जी जमा करना है, अर्जी देकर चले आऊँगी, फिर देखते हैं ट्रांसफ़र होता है या नहीं, वो तो बात की बात, लेकिन अर्जी तो डालनी पड़ेगी। अगर आप एप्लीकेशन करोगे ही नहीं तो आपका काम कैसे होगा। चलिए देखते हैं कहाँ है। इसमें अभी कोई स्टाफ नहीं आया तो सोचा उसी से मिल लूँ, पास ही है ना, और उसी का घर, तो मन हुआ एक बार देख तो लूँ, ज़्यादा देर ठहरूंगी नहीं। मेरे हस्बैंड गए हैं बाल काटने तो आधा घंटा लगेगा बोला, नहीं तो इधर आती ही नहीं, ऑफिस में ही बैठी रहती। तो चलो देखते हैं, बच्ची से तो मिल लूँ, तब काम आज होना हो तो कल आऊँगी ऑफिस, स्कूल से आते वक्त छतना में उतर के फिर काम जो है कर लूंगी। चलिए कहाँ है दादा, कहाँ है दादा, कहाँ है, कहाँ है दादा, देखो मेरी बच्ची क्या कर रही है, मेरी चुंडी को लेकर बैठी है और नहीं दे रही है, बोल नहीं नहीं घर जाने नहीं देगी मुझे, वो वाह वाह कैसे आऊँ घर, बोलो इसे छोड़ के, इसे छोड़ के, हाँ किसी तरह भी जाने नहीं दे रही है।
हमारे घर जाबे सत्य हमारे घर जाबे चलो चलो मैं कहीं चले जाओ पढ़े ले जाओ घर वापस आ गई। बाहर बहुत गर्मी है, बहुत धूप है और क्या ये लाई मैं नहीं मेरे हस्बैंड जी घर में दही जमाया मैंने फिर भी ये दुकान से खरीद के लाए। जो मर्जी वो करते हैं, बात तो नहीं मानेंगे और क्या और कुछ नहीं। लंच किया मैंने आप लोगों को दिखाया ही है, तो अभी नहा के खा के थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर शाम को मिलती हूँ। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आ गई आपकी रानी सज धज के रेडी होके आप लोगों से मिलने। अभी पीतम आया है स्कूल से, उसको खाना दे दिया, फिर मैं रेडी हुई और आज साड़ी नहीं पहनी, आज गाउन पहन लिया फॉर चेंज। ऐसी लग रही हो? वेल देखो वो कर रहा है या रही है पता नहीं मुझे। और क्या अभी और कुछ भी नहीं, सिर्फ शॉर्ट वीडियो बनाना है, फिर घर का जो काम है थोड़ा मोड़ा, ऑफिस का भी थोड़ा काम है वो करूँगी शाम को, फिर एडिटिंग वो तो बाकी ही है। और क्या बोलूँ, देखा आप लोगों ने आरुष की हालत, हाँ मुझे छोड़ ही नहीं रही थी जब तक मैं थी तब तक ऐसे एकदम, और किस पे किस पपी खाए जा रही थी इतना प्यार वो हमें भूल नहीं पा रही है। भूल तो मतलब दूर की बात, वो हमें बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब जब से हुई है तो हमें ही जानती है, हमें ही देखा है और हमसे प्यार भी मिला है उससे बहुत, और उसने भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया है। और इसलिए मतलब प्यार का जो रिश्ता होता है ना वो आपका कभी नहीं टूटता, दूसरे जो खून के रिश्ते हैं कभी भी टूट जाते हैं, कभी भी को मतलब कुछ बात हुई कि टूट गई कोई मतलब नहीं उन रिश्तों का। और जो प्यार का रिश्ता होता है वो कभी नहीं टूटता, कभी भी जिंदगी भर आपको जोड़े रखता है। जितने दिन आप सांस लो सांसों की तरह वो आपसे जुड़े रहते हैं वो रिश्ते, और उसी से तो हम जिंदा रहते हैं ना। नहीं तो ऐसे ये आपका कौन है वो आपका कौन है इससे तो कुछ नहीं होता। हम जिंदा ही रहते हैं प्यार वाले जो रिश्ते हैं उनको लेकर, प्यारा जो है उनको लेकर, है ना। तो ठीक है चलो आज का वीडियो मैं यही पेंड करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की सपोर्ट की सच में मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से नए से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा। इतना सुंदर हवा देखो।